गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी आवाज नहीं। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम आ गई। आवाज आ रही है? आवाज ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं थैलस स्ट्रक्चर की इन वाउचेरिया। मतलब वाउचेरिया में सुकाई की संरचना कैसी होती है, थैलस का संरचना कैसी होती है। तो वाउचेरिया शैवाल गहरे हरे रंग के सघन पाइप की तरह। मैम नोट सेंड नहीं की क्या? क्या बेटा? नोट सेंड नहीं की है, अब पढ़ा रही हूँ उसके। कर देंगे अभी, सुनो पीछे मत बोलो, आधे घंटे तक 15-20 मिनट तक पीछे मत बोलो, मुझे बोलने दो, फिर अपनी क्वेरीज पूछ लेना। ठीक है, पहले मुझे बोलने दो, फिर आप लोग पूछ लेना, अपन रखेंगे 5 मिनट इसके। तो पहले सुनो, वाउचेरिया का थैलस, वाउचेरिया क्या है? एक शैवाल है। तो इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वाउचेरिया में थैलस की संरचना कैसी होती है। तो वाउचेरिया शैवाल गहरे हरे रंग के सघन कालीन की तरह दिखाई देता है। स्थलीय तथा संलग्न जातियों में वाउचेरिया का थैलस शाखित मूलाभासों से आधार पर चिपका हुआ पाया जाता है, और शाखित संलग्नक को स्थापनांग हेपरॉन कहा जाता है। थैलस शाखित नलिकाकार अथवा साइफनी एवं तंतुल होता है। मतलब थैलस ऑफ वाउचेरिया इज ब्रांच्ड एंड द थैलस इज साइफोनस एंड ट्यूबुलर एंड फिलामेंटस। सो द थैलस इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ ब्रांच्ड राइजोइड्स, एंड दीज राइजोइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज हेपेरॉन, हेपेरॉन इन द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। तो वाउचेरिया का थैलस जो कि नलिकाकार होता है, साइफनी होता है, उसमें एपिकल ग्रोथ पाई जाती है, और वाउचेरिया के तंतु कई सेंटीमीटर लंबे होते हैं, पठहीन होते हैं अथवा समकोशिकी होते हैं। समकोशिका का मतलब है वाउचेरिया के थैलस में पट नहीं पाए जाते, वह यह बहुकेंद्रकी होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और पटों का निर्माण किसी प्रकार की क्षति अथवा जननांगों के निर्माण के समय होता है। परंतु वाउचेरिया स्यूडोहेमेटा में तंतु पट युक्त पाए जाते हैं। वाउचेरिया की एक प्रजाति है जिसका नाम है वाउचेरिया स्यूडोहेमेटा, उसमें तंतु पट युक्त पाए जाते हैं। मतलब द थैलस हैज सेप्टा, the thallus of Vaucheria shows the presence of septa in Vaucheria pseudohemata, और Vaucheria debariana के तंतुओं पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है। तो क्या बताया, Vaucheria debariana के तंतुओं पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप पाया जाता है, और वाउचेरिया के तंतु फोटोट्रॉपिज्म प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। वाउचेरिया के तंतु फोटोट्रॉपिज्म प्रदर्शित करते हैं, शाखन कम व अधिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। वाउचेरिया की कुछ जातियों में शाखन एक लक्षी व अनियमित होता है, तथा कुछ जातियों में द्विभाजी शाखन डाइकोटोमस ब्रांचिंग तथा अंत में संधिताक्षी शाखन सिम्बोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है। मुक्त प्लावी जातियों में हेप्टेरॉन स्थापनांग का अभाव होता है। स्थलीय जातियों में पादपकाय सुविकसित भूमिगत मूलाभासी तंत्र तथा ऊर्ध्ववायवीय शाखाओं में
विभेदित होता है। अब बेटा मैं वापस से उसको बोल रही हूँ कि वाउचेरिया का जो थैलस है वो कैसा है, शाखित होता है, नलिकाकार होता है अथवा साइफनी एवं तंतुल होता है। तो ठीक है, ये याद रखोगे। और वाउचेरिया के थैलस में, वाउचेरिया के सुकाए में जो स्थलीय तथा संलग्न जातियां हैं उनमें थैलस शाखित मूलाभासों के द्वारा आधार से चिपका रहता है और वाउचेरिया के तंतु लंबे होते हैं, पटहीन होते हैं और संकोशिकी होते हैं जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। अब पूछो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो। वाउचेरिया के तंतु कैसे होते हैं बेटा? शाखित होते हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हो वाउचेरिया के तंतु कैसे होते हैं बेटा? शाखित होते हैं। वाउचेरिया का थैलस कैसा है? शाखित है, ब्रांच्ड है और नलिकाकार है। आप पूछ सकते हो आप, अथवा साइफनी है, साइफनी है। और वाउचेरिया के तंतु कैसे हैं? इनमें नॉन सेप्टेट है, द फिलामेंट्स ऑफ वाउचेरिया आर नॉन सेप्टेट। अब सेप्टा कब बनते हैं? पट का निर्माण केवल जब क्षति जननांगों के निर्माण के समय होता है। वाउचेरिया के थैलस में पट का निर्माण जननांगों मतलब सेक्स ऑर्गन्स के निर्माण के समय होता है। अब पूछो बेटा, आपका कुछ पूछना है तो अब पूछ लो इसमें, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो? बेटा बुक को छोड़ो, अभी तो आरबीडी चल रही है बेटा, आरबीडी की बुक है ना। तो वाउचेरिया के थैलस क्या क्या होते हैं बेटा? तंतु क्या होते हैं? पट युक्त होते हैं। मतलब जो नोट्स मैं बनाती हूँ वो तो 3-4 बुक्स को मिला के बनाते हैं बेटा। अभी तो मैं आरबीडी कंसल्ट से पढ़ा रही हूँ आपको, आरबीडी से, क्योंकि आप लोगों के पास बुक नहीं है, ठीक है। तो वाउचेरिया का जो थैलस है उसमें, वाउचेरिया के तंतु में पट नहीं पाए जाते। पट का निर्माण किसी भी प्रकार की क्षति अथवा जननांगों के निर्माण के समय होता है और वाउचेरिया स्यूडो हेमेटा में तंतु पट युक्त होते हैं। तो अपवाद क्या हुआ? वैसे मैंने क्या बताया बेटा, वाउचेरिया में पट नहीं पाए जाते, लेकिन एक ऐसी प्रजाति है वाउचेरिया का जिसमें नाम है वाउचेरिया स्यूडो हेमेटा। इस प्रजाति में, वाउचेरिया स्यूडो हेमेटा में तंतु पट युक्त होते हैं। वह वाउचेरिया डिबारियाना के तंतुओं पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप पाया जाता है। तो वाउचेरिया के तंतु प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित करते हैं, फोटोट्रॉपिज्म प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और शाखन कम व अधिक दोनों प्रकार का पाया जाता है। कुछ जातियों में शाखन एक लाक्षी अनियमित होता है। फिर मैंने बताया था बेटा, जो स्थलीय जातियां हैं उनमें पादपकाय सुविकसित भूमिगत मूलाभासी तंत्र तथा ऊर्ध्व वायवीय शाखाओं में विभेदित होता है। तो याद क्या रखोगे? इन द टेरिस्ट्रियल स्पीशीज ऑफ वाउचेरिया द थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम एंड इरेक्ट एरियल ब्रांचेस। मतलब बेटा जो स्थलीय जातियां हैं, है ना, तो उनमें जो पादप का है, थैलस है, वो किसमें किसमें विभेदित होता है? एक होता है अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम और एक इरेक्ट एरियल ब्रांचेस में विभेदित होता है। अब बात करते हैं कोशिका संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इन वाउचेरिया। तो कोशिका भित्ति स्थलीय जातियों में मोटी होती है जबकि जलीय जातियों में पतली होती है। कोशिका भित्ति दो परतों में विभेदित होती है। बेटा बता रही हूँ, जो सेल वॉल इन वाउचेरिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स। जो कोशिका भित्ति है वाउचेरिया में दो परतों में विभेदित होती है। आउटर लेयर बाह्य परत पेक्टिन यौगिकों से बनी होती है। आउटर सेल वॉल, आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
पेक्टिक कंपाउंड्स, मतलब बाह्य परत किसकी बनी हुई होती है, पेक्टिक यौगिकों की बनी हुई होती है, तथा अंतः परत सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, मतलब इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, वाउचेरिया की कोशिका भित्ति में उपस्थित सेल्यूलोज की प्रकृति हरे शिवालों की भित्ति में उपस्थित सेल्यूलोज से भिन्न होती है। कुछ जातियों में कोशिका भित्ति की सतह पर चूने लाइम का निक्षेपण पाया जाता है, मतलब इन सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ वाउचेरिया ऑन द सरफेस ऑफ द सेल वॉल लाइम डिपोजिशन इज फाउंड। मतलब वाउचेरिया की कुछ जातियां ऐसी हैं बेटा जिनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल की सतह पर चूने का लाइम का निक्षेपण पाया जाता है, चूने का डिपोजिशन पाया जाता है। और जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वाउचेरिया में दो परतों में विभेदित होती है। वापस बता रही हूँ, दो परतों में विभेदित होती है। एक तो है बाह्य परत जो कि पेक्टिन कंपाउंड्स की, बाह्य परत आउटर लेयर पेक्टिन यौगिकों की बनी हुई होती है, वह अंतः परत सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो अब कोशिका भित्ति के भीतरी भाग में कोशिका द्रव्य की पतली पट्टी होती है, मतलब जो कोशिका भित्ति है उसके इनर भाग में, भीतरी भाग में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य की परत होती है। क्या होती है? कोशिका द्रव्य की पतली पट्टी होती है, तंतु के चेरिया तंतु के मध्य में सतत केंद्रीय पाई जाती है। आवाज नहीं आया, किसी की आवाज आ रही है? वाउचेरिया के तंतु के मध्य में सतत केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इन द मिडिल ऑफ द वाउचेरिया फिलामेंट ए कंटिन्यूअस सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड। तो रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, मतलब द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो याद रखोगे बेटा, जो वाउचेरिया का तंतु है उसके मध्य में सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, और रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, मतलब द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। अब जीव द्रव्य की भारी झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। केंद्रीय रिक्तिका में कोशिका रस भरा होता है। मैंने बताया कि वाउचेरिया हैज ए सेंट्रल वैक्यूल एंड दिस सेंट्रल वैक्यूल कंटेन्स सेल सैप। केंद्रीय रिक्तिका में बेटा कोशिका रस सेल सैप भरा होता है, और कोशिका द्रव्य के बाहरी भाग में अनेक अंडाकार या बिंबाकार, डिस्क शेप या अर्धचंद्राकार, एलिप्सोइडल क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो पाइरेनॉइड रहित होते हैं, मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें बाहरी भाग में क्या मिलते हैं, डिस्क शेप्ड एलिप्सोइडल क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, एंड दीज क्रोमेटोफोर्स लैक द पाइरेनॉइड्स। वापस बोलती हूँ, कोशिका द्रव्य के बाहरी भाग में अनेक अंडाकार या बिंबाकार या अर्धचंद्राकार क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो पाइरेनॉइड रहित होते हैं। तीव्र प्रकाश में क्रोमेटोफोर गोल हो जाते हैं। बेटा जब हाई लाइट इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्रोमेटोफोर जो कि डिस्क शेप्ड थे, एलिप्सोइडल थे, वो स्फेरिकल हो जाते हैं। तो क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए और अधिक मात्रा में कैरोटीनॉइड पाया जाता है, परंतु साइफोनिन व साइफोनोजेंथिन जो साइफोनेल्स के प्रमुख जेंटोफिल होते हैं वो वाउचेरिया में नहीं पाए जाते। तो याद रखोगे आप, जो क्रोमेटोफोर है
उसमें क्या मिलता है बेटा, क्लोरोफिल ए मिलता है, और क्लोरोफिल ए पाया जाता है वह कैरोटीनॉइड भी उपस्थित होता है, लेकिन साइफोनिन वह साइफोनोजेंथिन अनुपस्थित होते हैं। तो क्रिश चीसन क्या है, एक एल्कोलॉजिस्ट थे, क्रिश चीसन ने बाउचेरिया मेड्यूसा में पाइरिनॉइड की उपस्थिति को बताया जिस पर अमाइलम संचित होता है। तो बाउचेरिया में संचित भोज्य पदार्थ तेल होता है, बाउचेरिया में द रिजर्व फूड मटेरियल इन बाउचेरिया इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल कलरलेस ड्रॉपलेट्स। तो बाउचेरिया में संचित भोज्य पदार्थ तेल होता है जो कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म रंगहीन बिंदुकों के रूप में वितरित रहता है। इस प्रकार फ्लेसिंग के अनुसार यह आरक्षित भोजन पदार्थ होता है, और टिफेनी के अनुसार पौधों को यदि अविच्छिन्न प्रकाश में रखा जाए तो उनमें स्टार्च पैदा हो जाता है। तो अब बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया बेटा, कोशिका की संरचना समझ में आई या वापिस रिपीट करूं, कोई भी बोलो आप में से फर्स्ट ईयर। यस मैम, आइए ना बेटा। तो मेन पॉइंट्स क्या याद रखोगे मैम, दोबारा रिपीट कर दो बेटा, कहां से समझ में नहीं आया, दोबारा तो बोल ही देती हूँ, मैं वापिस बोल देती हूँ बेटा। देखते हैं कोशिकीय संगठन क्या देख रहे हैं बाउचेरिया में, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब धीरे धीरे बोलती हूँ कि जो बाउचेरिया की कोशिका भित्ति है दो परतों में विभेदित होती है, सेल वॉल इन बाउचेरिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स। अब भाई ये परत पेक्टिन यौगिकों की बनी होती है जबकि अंतः परत सेल्युलोज की बनी होती है, मतलब आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इन बाउचेरिया इज मेड अप ऑफ पेक्टिन कंपाउंड्स एंड द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और कुछ जातियों में कोशिका भित्ति की सतह पर चूने का निक्षेपण भी पाया जाता है, मतलब इन सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ बाउचेरिया डिपोजिशन ऑफ लाइम इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल वॉल। तो कोशिका सतह पर किसका, चूने का निक्षेपण पाया जाता है, ये बाउचेरिया में ही मिलता है। अब कोशिका भित्ति के भीतरी भाग में कोशिका द्रव्य की पतली पट्टी होती है, तो याद क्या रखोगे, तंतु के मध्य में सतत केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, इन द मिडिल ऑफ द बाउचेरिया फिलामेंट ए कंटिन्यूअस सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड। मतलब बाउचेरिया के तंतु में क्या पाई जाती है, केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, और इस रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, केंद्रीय रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य के भारी भाग में अनेक अंडाकार अर्धचंद्राकार क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, मतलब मैनी डिस्क शेप्ड एलिप्सोइडल क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड इन द आउटर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन बाउचेरिया। तो कोशिका द्रव्य के बाहरी भाग में अनेक अंडाकार बिंबाकार का मतलब है डिस्क शेप्ड अर्धचंद्राकार क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो पाइरिनॉइड रहित होते हैं, मतलब क्रोमेटोफोर में पाइरिनॉइड नहीं पाया जाता, क्रोमेटोफोर इज लैकिंग द पाइरिनॉइड्स। अब क्रोमेटोफोर तीव्र प्रकाश में गोल हो जाते हैं, ठीक है। अब क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड उपस्थित होते हैं, मतलब द क्रोमेटोफोर कंटेन्स क्लोरोफिल ए एंड
carotenoid, but the siphonin and siphonogenin are absent in Boucheria. लेकिन Boucheria में siphonin व siphonogenin का अभाव होता है. ठीक है, अब अपन बात करेंगे Boucheria में संचित भोजन क्या होता है. तेल होता है. मतलब इन Boucheria एल्गी द रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल कलरलेस ड्रॉपलेट्स. Boucheria में संचित भोज्य पदार्थ तेल होता है जो कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म रंगहीन बिंदुकों के रूप में पाया जाता है और अनेक केंद्रक कोशिका द्रव्य के भीतरी भाग में पाए जाते हैं. तंतु जैसे जैसे वृद्धि करता है केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं. अब अपन लेते हैं रिप्रोडक्शन इन Boucheria. तो Boucheria में जनन कायिक अलैंगिक अथवा लैंगिक विधियों के द्वारा होता है. मतलब इन Boucheria रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव मेथड एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड. तो अपन बात करते हैं कायिक जनन. छोटे ही है कायिक जनन. मतलब हाउ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन Boucheria. Boucheria में कायिक जनन कैसे संपन्न होता है. तो कायिक जनन Boucheria में विखंडन के द्वारा होता है. मतलब Boucheria में कायिक जनन विखंडन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. पुराने भागों के क्षय अथवा आकस्मिक दुर्घटना के कारण थैलस कुछ अधिक खंडों में टूट जाता है. मतलब जब पुराने भाग का क्षय हो जाता है ओल्डर पोर्शंस ऑफ द थैलस डिके एंड बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट द थैलस ऑफ Boucheria ब्रेक्स इनटू स्मॉल सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट गिव्स राइज टू ए स्मॉल थैलस. मतलब पुराने भागों के क्षय अथवा आकस्मिक दुर्घटना के कारण Boucheria का थैलस कुछ या अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड स्वतंत्र सूक्ष्म सुकाय के रूप में व्यवहार करने लगता है. अब बात करते हैं अलैंगिक जनन. Boucheria में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो मतलब Boucheria में अनेक प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है जैसे चल बीजाणु अचल बीजाणु सुप्त बीजाणु निशेष बीजाणु तथा पुटिकाएं. मतलब इन Boucheria मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड बाय दीज स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन Boucheria. मतलब इन Boucheria एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ एप्लेनोस्पोर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ एप्लेनोस्पोर्स एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एकाइनिड्स. मतलब Boucheria में अलैंगिक जनन चल बीजाणु अचल बीजाणु सुप्त बीजाणु अथवा निशेष्ट बीजाणु एकाइनिड्स के द्वारा होता है. अब अपन देखेंगे Boucheria में चल बीजाणुओं के द्वारा कैसे अलैंगिक जनन होता है. तो चल बीजाणु जो स्पोर्स जलीय जातियों में निर्मित होते हैं लेकिन स्थलीय जातियों में जल प्लावित होने पर उनमें चल बीजाणु भी निर्मित होते हैं. तो क्या होता है बेटा, जो जू स्पोर्स है चल बीजाणु है जलीय जातियों में बनते हैं. मतलब जू स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ Boucheria एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जू स्पोर्स अकर्स इनसाइड द जू स्पोरेंजियम. मतलब क्या बताया, जो चल बीजाणु है बेटा जलीय जातियों में निर्मित होते हैं और इन चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणु धानियों में होता है. चल बीजाणु धानियां एकल
वह अंतस्थ होती है। तो अपन ने देखा जो चल बीजाणु है वो चल बीजाणु धानी में बनते हैं। अब अपन बात करेंगे हाउ द डेवलपमेंट ऑफ जूस पोरेंजियम अकर्स इन बाउचेरिया। चल बीजाणु धानी का विकास कैसे होता है बाउचेरिया में। तो किसी भी शाखा के अंतस्थ भाग में जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है जिसके फलस्वरूप वह फूल कर गदाकार संरचना में रूपांतरित हो जाती है। वह इसमें अनेक केंद्रक एवं क्रोमेटोफोर होते हैं और इस संरचना के आधार पर पट का निर्माण हो जाता है जिससे ये शेष तंतु से पृथक हो जाती है और इस संरचना को ज़ूस्पोरेजियम कहते हैं। क्या बताया बेटा वापस सुनना कि चल बीजाणु धानी का विकास कैसे होता है। तो मैंने बताया बाउचेरिया का थैलस कैसा था बेटा शाखित था। तो अब सुनना किसी भी शाखा के अंतस्थ भाग में टर्मिनल पोर्शन में जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है और जब जीव द्रव्य शाखा के अंतस्थ भाग में एकत्रित हो जाता है तो यह शाखा का भाग फूलकर गदाकार संरचना में रूपांतरित हो जाती है और इसमें अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर होते हैं। क्या होते हैं मैनी न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटोफोर आर फाउंड और इस संरचना के आधार पर फिर पट का निर्माण हो जाता है जिससे यह शेष तंतु से पृथक हो जाती है और इस संरचना को चल बीजाणु कहते हैं। तो चल बीजाणु धानी कहते हैं जो स्पोरेजियम कहते हैं। अब चल बीजाणु धानी में वर्ण की लवकों तथा केंद्रकों की स्थिति उल्टी हो जाती है अर्थात केंद्रक परिधीय तथा वर्ण की लवक मध्य भाग में आ जाते हैं। क्या बता रही हूँ जब चल बीजाणु धानी बन जाता है तो क्या होता है बेटा जो न्यूक्लियाई है न्यूक्लियाई मतलब केंद्रक वो पेरिफेरी पर आ जाते हैं केंद्रक परिधीय हो जाते हैं और जो वर्ण की लवक है क्रोमेटोफोर्स है वो मध्य भाग में आ जाते हैं। अब जब केंद्रक पेरिफेरी पे आ जाते हैं परिधि पे आ जाते हैं वे वर्ण की लवक क्रोमेटोफोर मध्य भाग में आ जाते हैं तो इस क्रिया को प्रतिलोमन कहते हैं। तो आपसे कोई पूछता है प्रतिलोमन किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि जब केंद्रक परिधीय तथा वर्ण की लवक मध्य भाग में आ जाते हैं तो इस क्रिया को प्रतिलोमन कहते हैं। बेटा अपन देखते हैं व्हाट इज इन्वर्जन मतलब व्हेन द न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड द क्रोमेटोफोर गेट एक्युमुलेटेड इन द सेंटर सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। तो परिधि पर स्थित प्रत्येक केंद्रक के सम्मुख दो कशाबिकाएं उत्पन्न होती हैं और जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से पृथक होकर चल बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो चल बीजाणु के निर्माण के पश्चात चल बीजाणु धानी की शीर्ष भित्ति का जिलेटिनीकरण होता है जिससे एक छिद्र का निर्माण हो जाता है जिसके द्वारा चल बीजाणु का विमोचन प्रातःकाल के समय होता है। तो इस प्रकार